हेलो फ्रेंड्स, मैं इला शर्मा और मेरे टेरेस गार्डन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सितंबर का पहला हफ्ता चल रहा है और आज हम बात करते हैं क्रिसैंथेमम्स, गुलदाउदी की। तो ये देखिए, ये मेरे क्योंकि जगह की कमी के कारण थोड़े से ही पौधे लगाए हैं, ये इस समय इस स्थिति में है। और ये प्लांटेशन मेरी चल रही है फरवरी से, ट्रांसफ़र करते करते। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से इनकी रिपोर्टिंग करती हैं। तो इस समय हम उसकी बात ना करके अब देखते हैं जो हमारे गमले इस समय स्थिति में हैं, अब उनमें हमें क्या करना है। तो पिंचिंग आपको बराबर करते रहना है। ये देखिए, पिंचिंग जो है, जैसे ये यहाँ से ये ऊपर का निकल आया है ना, ये वाला शूट आप देखें, ये दिख रहा है, ये तो इसको हम लोग ये दो अंगूठे और पहली उंगली से ऐसे इसको यहाँ से निकाल देंगे। और अगर देखें तो इसमें इसमें भी ये है, इसको निकाल देंगे। इस तरह से जितनों में भी ये ऊपर की ऐसे दो नई पत्तियाँ निकली हैं उनको आप निकालते रहेंगे तो आपका प्लांट इस तरह से ये ऐसे खूब बुशी हो जाएगा। और जितना बुशी होगा उतने ही आपको पता है इसमें फूल निकलेंगे। ये तो हो गई पिंचिंग की बात। अब देखते हैं इसके नीचे की स्थिति क्या है। ये देखिए, मैं इसको हटाऊं तो आपको दिख रहे होंगे ब्राउन लीव्स, और ये इसके थोड़ी थोड़ी ये टहनियाँ, ये जो इसके सकर्स निकल रहे हैं, ये देखिए, ये इसके सकर्स निकल रहे हैं। तो ये सकर्स हमें हटा दे रहे हैं। ये हिस्सा हमें टहनी का जो है, तने का जो है, यहाँ से ये बिल्कुल क्लीन रखना है। क्यों क्लीन रखना है? क्योंकि जब हम पानी डालते हैं और अगर ये पत्तियाँ इस पे पानी में टच करती हैं, छींटे आती हैं मिट्टी की पत्ती के ऊपर, और आपका जो डिजीज़ है वो इनके थ्रू ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ। ये देखिए, ये पत्ते ब्राउन हो रहे हैं ना, तो थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये पुराने पत्ते ये सब आपको निकाल देने हैं, ये आपको सब निकाल देने हैं। और संग में क्या निकाल देना है? ये जो आपके सकर्स आ रहे हैं, ये जो सकर्स आ रहे हैं इनको भी आपको, ये देखिए, इस तरह से नीचे से बिल्कुल निकाल देना है। ये देखिए, ये इस तरह से। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका जो टहनियाँ हैं नीचे की वो बिल्कुल खाली हो जाएंगी और फिर इसमें कोई डिजीज़ का चक्कर नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये कितना बड़ा इसमें से सॉइल में से ये इसकी एक सकर निकल रहा है, तो इसको भी हम बिल्कुल इस तरह से हटा देंगे। ये हाथ से ही निकल जाएंगे, मैंने देखा नहीं, कई दिनों से था, बिजी थी। तो आप इनको बराबर इस तरह से आके देखते रहिए। और जैसे आप सॉइल देख रहे हैं, सॉइल की बात करें तो ये देखिए, सॉइल बिल्कुल भुरभुरी है, गीली नहीं है। तो क्रिसैंथेमम्स को ज़्यादा गीली सॉइल पसंद नहीं है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा इसको वाटर स्ट्रेस में रखेंगे, पत्तियां विल्ट होने लग जाएं, तब आप अगर इनमें पानी डालेंगे तो इनको अच्छा लगेगा। ज़्यादा पानी देने से इनमें रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका पौधा जो है वो, अब मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, इस पौधे में बहुत ज़्यादा पानी गिरता रहता है। मिट्टी इसकी शायद ऐसी नहीं है कि वो बहुत अच्छा ड्रेनेज है उसमें, तो आपका पौधा ग्रोथ स्टंटेड है इसकी। और ये देखिए, पत्तियाँ पीली पड़ने लग गई हैं, बिल्कुल बढ़वार नहीं है। और जबकि इसके संग की यही पौधा आप देखिए कितना अच्छा फ्लरिश कर रहा है। तो ज़्यादा पानी हमें अपने क्रिसैंथेमम्स के पॉट्स में नहीं डालना है। गुड़ाई करते रहिए और बेवस्टीन वो सॉरी किसी भी उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का और बायोएंजाइम का स्प्रे करते रहिए, आपके पौधे बहुत अच्छे बने रहेंगे। अब इस समय जैसे जैसे ठंड पड़ने लगेगी तो हर 15 दिन में अगर आप नीम खली और बोन मील के साथ सरसों की खली मिला के
एक दिन भिगो के रख देंगे और उसका पानी देंगे डाइल्यूटेड फॉर्म में हर 15 दिन में, तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरह फ्लरिश करेंगे। ये जो पिंचिंग की बात मैंने दोस्तों आपको बताई है, ये हम 15 सितंबर से ही करेंगे। उसके बाद हम अपनी इस पिंचिंग को रोक देंगे और पौधे को बढ़ने देंगे। इसके साथ साथ हमें एक काम दोस्तों और करना है, वो ये है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ ये वाला पौधा, ये इसकी देखिए टहनियाँ बहुत हैफजर्ड तरीके से फैल रही हैं, तो अब ये टाइम है इसमें स्टेकिंग करने का, सपोर्ट सिस्टम लगाने का। तो ये यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से स्टेकिंग करेंगे चारों तरफ और उसको बांध लेंगे, तो हमारा पौधा कॉम्पैक्ट दिखेगा, अच्छा दिखेगा और फूल उसमें भर के आएंगे। तो ये अपडेट थी आपके लिए कि इस समय क्रिजांथमम में क्या काम किया जाए, इस समय माने सितंबर में हमें क्रिजांथमम की देखभाल कैसे करनी है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने पौधे से क्रिजांथमम से अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो आप भी प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा एंड हैव अ बाउंटीफुल ऑफ फ्लावर्स इन द सीज़न। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।